भारतीय टीम की ये कमाल की शुरुआत। देखिए आयरलैंड जरूर कमजोर टीम है भारत के सामने, लेकिन आपको जीत की आदत होना बड़ा जरूरी है। और विश्व कप की शुरुआत आप अगर जीत के साथ करते हैं और वो भी बड़ी जीत के साथ, तो फिर आपके कैंपेन के लिए बहुत अच्छी खबर ही है। तो उस लिहाज से बहुत बढ़िया, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, जिस तरह से शुरुआत की अशदीप ने, सिराज ने, और फिर उसके बाद बुमराह आए, बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मैन ऑफ मैच परफॉर्मेंस भाई ने मिस किया, पिछले विश्व कप में क्या मिस किया जसप्रीत बुमराह को, मैन ऑफ द मैच से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब दूसरी टीम के लिए अच्छी खबर नहीं। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी वो भी बहुत क्रूशियल फैक्टर, 3 विकेट निकाले उन्होंने। अगर वो गेंदबाजी अच्छी करते लगातार और फिट रहते हैं, तो अगर 3 स्पिनर को खिलाने की जरूरत पड़ी और एक फास्ट बॉलर को कम खिलाना पड़ा, तो फिर इनकी 4 ओवर बड़ी क्रूशियल हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव था भारतीय टीम के लिए। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से गेंदबाजों को बदला भी, 1-1 ओवर भी 3 स्पिनर्स को, ताकि स्पिनर्स को आगे जाके वो रिदम वो फॉर्म बरकरार रहे। और जैसे 1 ओवर हो गई, लगा कि अब यहां पे गेम को खत्म करने की जरूरत है, बुमराह को वापस बुलाया और गेम को खत्म करवाया। वहीं पे बल्लेबाजी में रोहित शर्मा का बल्ला चलना और नाबाद रहना अर्धशतकीय पारी में, वो बहुत अच्छी खबर, क्योंकि ये मुश्किल पिच है, बहुत मुश्किल पिच है, ये आइडियल T20 पिच है नहीं। वहां पे जिस तरह से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा उन्हें। और साथ ही में ऋषभ पंत का ऊपर बल्लेबाजी करना, नाबाद आना, मैच को खत्म करना रिवर्स स्वीप के साथ नंबर 3 पे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बतौर ओपनर तो राइट हैंड बल्लेबाज को खिला रहे हैं, वहां पे अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऊपर आ जाता है तो आगे गेम चलाने में बहुत आसान होगा। ओवरऑल